ओके गाइस, तो एक दो दिन पहले मैंने एक पोस्ट रखी थी कि आपको मेरे कौन से व्लॉग पसंद है। तो मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि उनको गार्डनिंग व्लॉग्स पसंद है, तो लेकर आए हैं आज का व्लॉग गार्डनिंग वाला ही। तो थोड़ी सी शॉपिंग की है प्लांट्स की, जो इस समर में हम लगाने जा रहे हैं। स्प्रिंग है अभी यहाँ पर, तो ये समर तक प्रॉपरली सारे ब्लूम कर जाएंगे, इससे पहले ब्लूम कर जाएंगे वैसे तो। तो यहाँ पर लेकर आए हैं हम पेटूनियाज, दो बास्केट्स हैं पेटूनिया की। और इसमें जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अगर आपने एक बाय किया तो आपको मिलेगा 650 का, तो अगर दो बाय करते हो तो आपको मिलेगा 11 pound का। तो ये सेम है दोनों। ओके, और ये भी पेटूनिया है, और देखो इसके लीफ डिफरेंट है, इनके लीव से ये वाले के डिफरेंट हैं। तो ये इनकी प्राइस देखो, ये भी सेम ही है, सिर्फ कलर डिफरेंट है इनका। और ये वाले भी पेटूनिया है। सो दो बास्केट इनकी ले ली है, और इनकी भी दो बास्केट ली है। और यहाँ पर हैं ये लोबेलिया है इनका नाम, और ये मिक्स हैं, ऐसे कलर्स हैं इनके, वाइट पर्पल एंड पिंकिश। इनका नाम लिखा है इन्होंने रेन ड्रॉप्स यहाँ पर। और ये मिलेंगे आपको 325 का वन पैकेट है, और अगर आपने मीन्स फोर लेने हैं वो 11 pound के मिलेंगे। लेकिन हमने ये वाला अभी यहाँ पर एक ही बाय किया है। तो इसके साथ और जो लेकर आए हैं वो ये वाले हैं, इनका नाम है डायंथस फेस्टिवल। तो ये अगर आपने एक बाय करना है तो इसकी प्राइस भी 325 है, और अगर आपने फोर लेने हैं तो वो मिलेंगे आपको 11 pound के। तो इनमें थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आपने ऐसे पैक बना के लेना है। तो ये सेम कलर है, दो लिए हैं हमने। और देन हमने जेरेनियम, जो कि एवरी ईयर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जेरेनियम लेकर आए हैं हम, और इसकी भी सेम ही प्राइस है, 325 का एक है, अगर आपने फोर लेने हैं तो वो मिलेंगे आपको 11 pound के। और इसका नेम है यहाँ पर लिखा है इन्होंने जेरेनियम समर सॉर्बेट। दो पैकेट हैं हमने लिए जेरेनियम के। और देन हमारे पास है यहाँ पर, इसका नाम है स्नैप ड्रैगन रेड, और इसका रेड कलर बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पर इतनी जस्टिस नहीं कर रहा है कैमरा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रेड कलर है। तो ये भी सेम प्राइस है, 325 का है वन, और अगर आपने फोर लेने हैं तो वो 11 pound के। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं हमने लिए हैं B&Q से। तो ये सारे जाएंगे बास्केट्स में, और क्योंकि हमें कंपोस्ट भी चाहिए थी तो हमने ऑल पर्पज़ कंपोस्ट लिया है। तो ये वाली है रेडी टू यूज़ है, तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ऑल पर्पज़ कंपोस्ट है, और इसको आप लगा सकते हो सोइंग के लिए, पॉटिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए और कंटेनर्स के लिए। और इसका वेट है इन्होंने बताया यहाँ पर 50 लीटर्स के लिए है। तो क्योंकि ये पॉट्स में जाएगी तो लीटर्स में इसकी मेजरमेंट बताइए। यहाँ पर इन्होंने ना सारा लिखा हुआ है हाउ टू यूज़, सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी हुई है। देखो इसके जो सैक है इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, सोइंग सीड के लिए कैसे करना है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता अभी प्रॉपर गार्डनिंग का, तो यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ओके, तो आज के लिए ये छोटी सी वीडियो थी, तो आई होप कि आपने एंजॉय की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने ये सारे कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।